हेलो जी, आप लोग सब कैसे हैं? आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो एक माँ का जो ड्यूटी होता है वो किचन में खाना बनाना ही नहीं होता है, उस खाने को बच्चे को खिलाने में भी होता है, उसका पेट भरना होता है। मेरा बेटा 8 साल का है, लेकिन 1 घंटा पहले ही मैं उसको 2 रोटी खाने के लिए दी थी, पर 1 घंटे में वो सिर्फ 1.5 रोटी ही खा पाया, जबकि मैं कितना उसको बीच बीच में बोली खा लो खा लो, लेकिन वो बहुत कोशिश भी करता है फिर वो जल्दी खाना नहीं खा पाता है, पता नहीं क्यों। और 5 मिनट के बाद ही उसको स्कूल के लिए निकलना है। मैं उसको नहला धुला करके पूरा रेडी करके ही उसको खाना खाने के लिए बैठा दी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको 1-1.5 घंटा लग जाता है खाने में, लेकिन फिर भी वो आधी रोटी बचा ही लिया और उसको मैं 5 मिनट में खिला करके सलटा दी। अब उसको स्कूल के लिए निकलना है। दूसरी ओर मैं लाडो को उठा रही हूँ, ये अभी 10:30 बजे उठ रही है, रात को 1 बजे सोई थी, तो 10:30 बजे मैं इसको उठा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पहले उठाती ना तो ये चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है और मुझे कोई काम नहीं करने देती है, पूरी तरह से चिपक जाती है, चाहती कि बस मैं उस पर ही ध्यान दूँ और घर का कोई काम ना करूँ। इतना उसको प्यार चाहिए होता है, इसीलिए मैं सारा काम कर लेती हूँ तब जा करके मैं लाडो को उठाती हूँ। तो मेरे सारे काम समझ लीजिए हो चुके, खाना पीना बन चुका है, झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना, और उसके बाद 10:30 बजे मैं आदि को स्कूल के लिए भेज रही हूँ। आज पहली बार आदि को मैं स्कूल खुद जाने के लिए कह रही हूँ, मैं लाडो को लेकर के नहीं जा रही हूँ, क्योंकि लाडो को अभी जस्ट उठाई और मैं धूप में लेकर के जाना नहीं चाहती हूँ। बार बार छुट्टी के टाइम पे मैं सोची हूँ कि आदि को लाने के लिए जाऊँगी, पास में स्कूल है, बस मुश्किल से 5 मिनट लगता है अगर आदि खुद से चल के जाएगा, हम लोग तो 2-3 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। अब आ गई हूँ मैं लाडो के पास, उसको बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, जब उसका कोटा भर जाता है प्यार का तब जाके वो मुझे छोड़ती है और घर के काम में मुझे जाने देती है। तो सबसे पहले तो उठने के बाद उसको पानी चाहिए होता है, ढेर सारा, साथ में प्यार चाहिए होता है। तो मैं उसको ढेर सारा प्यार कह रही हूँ, उसको लगना चाहिए क्या मम्मी मुझे प्यार दे रही है, मतलब उसकी बातें ना एक अलग ही टाइप की है। इस तरह से आदि कभी बिहेव नहीं करता था जिस तरह से लाडो बिहेव करती है। देखिए अभी भूख लगा है बोली है ना, तो क्या बोलती है ये, है ना? चलो रोटी सब्जी खिलाते हैं ना, भूख लगा ना। देखते हैं कौन आया। अरे मास्क लेना भूल गया है, ये देखिए 10 मिनट बाद आया, तो मास्क लेना भूल गया। तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तब ले जाएगा क्या मास्क? जल्दी जल्दी पहनो, स्कूल जाओ। तुम स्कूल गया था? हाँ। वहां से वापस आया है? हाँ। सिक्योरिटी गार्ड जरूर तुमको रोका होगा ना? नहीं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, नहीं था। मैं तो चलते जा रहा था, अचानक से जा मेरा बच्चा स्कूल पहुंच करके वापस आया क्योंकि वो मास्क नहीं पहना। अब मैं भी भूल गई इसको मास्क पहनाना, क्या करे अभी ना, सब भूल गए कि यहाँ पे कुछ कोरोना टाइप का कुछ है भी, मतलब अब एहसास नहीं होता है ना। और बेटा अभी ना मास्क पर गया तो मुझे ध्यान नहीं रहा, बच्चा को वापस आना पड़ा, अफसोस। मैं अगर रहती ना, मतलब मैं हमेशा स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ, आज मैं उसको अकेले भेजी हूँ कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगी टीचर बच्चे हाथ में देंगे नहीं, मतलब पेरेंट्स के ही हाथ में देते हैं बच्चे, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो अगर मैं जाती तो वही दुकान से ही इसको मास्क खरीद के दे देती, क्या होता घर में एक्स्ट्रा मास्क? और क्या हुआ? अच्छा भूख लगा है तो रोटी सब्जी है? चावल दाल खाओगी? लेकिन बेटा चावल दाल सब्जी नहीं बनाए, कैसे खिलाएंगे? आप एक दाल लेके आइए। दाल लेके आए, इसका क्या किया जाए बताइए? तो अभी आपने देखा 10:30 बज रहा है, लगभग मतलब 11:45 बज रहा है, 10:30 11 बात एक ही होता है। मैं इसके लिए चावल दाल कहाँ से लाऊं, बनाई हूँ इतने मेहनत से, सुबह 5 बजे उठ करके रोटी सब्जी, और ये महारानी जी 10 मिनट पहले उठी है और कह रही है कि अरे वाह लिपस्टिक का दाग है, तेरे चिक पे लिपस्टिक का दाग लग गया मम्मी, किस लिए ना एक और लगा देते हैं। फिर से लग गया? फिर से लग गया? हाँ। एक और लगा देते हैं, बहुत सारे लगा देंगे। अच्छा बेटा सुनो सुनो सुनो, रोटी सब्जी खा लो ठीक है, दोपहर में खा लेना चावल दाल, है ना? ओके, जब भैया को स्कूल से लेके आएंगे ना तब मम्मी चावल दाल खिलाएगी, ठीक है ना? ओके मेरे प्यारे से। नहीं किससे लेंगे, जब हम भैया को किससे लेंगे, तुमको नहीं लेंगे। हटाना पड़ेगा आप तो। लो हटा देते हैं। हैप्पी? नहीं, अपने मुंह में। अच्छा हम अपने मुंह हटा दे? हाँ।
डायरेक्ट करी कि मैं अपना लिपस्टिक ही पूछ दूँ। देखो मेरा लिपस्टिक नहीं है, देखो फिनिश हो गया, देखो लिपस्टिक नहीं है, हल्की सी लगाए थे, देखो छू के देखो नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। अब देखो मम्मी की सिलेगी तो लिपस्टिक दाग नहीं हुआ, देखो वाह नहीं हुआ, लिपस्टिक हट गया। जबरदस्ती का बोले सारा लिपस्टिक लग गया, तुम पोछ भी दी। रोटी और आलू बैंगन की सब्जी है, मुंह मत फेरो खाओ। पहला कोर में ही पानी, पानी से पेट भर जाएगा ना, तो फिर बोलेगी पेट भर गया, थोड़ा सा पियोगी ना, एकदम थोड़ा सा चलेगा। ये आदि का बर्थडे केक है जो बच गया था, और बहुत टाइम के बाद मैं मन भर केक खा रही थी। मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे इतना बड़ा हेल्थ इशू था और इतनी जल्दी ठीक हो गया। इतनी जल्दी क्या, 1.5 साल में सात्विक खाना भी तो खाई थी, आलू तक नहीं, सोचिए तो सादा नमक तक मैं नहीं खा रही थी, सेंधा नमक का खाना खा रही थी, तेल मसाला तो मैं पूरी तरह से भूल गई थी। बाहर का खाना और केक वगैरह सोच ही नहीं सकती थी, बहुत मेहनत की हूँ। तब जाकर के जो मेरा लंग्स डैमेज हुआ था, लंग्स में इतनी सारी गांठें थी, 2-2 CT scan में पता चला था, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी। बहुत खुशी महसूस हो रहा है बताने में। मैं भी केक खा लेती हूँ, बहुत सारा केक बचा हुआ है और खाने के लिए कोई नहीं। अगर आज मैं ख़त्म नहीं की तो फिर ये केक हो जाएगा ख़राब। और आदि तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन उसको मैं केक नहीं दूंगी, क्योंकि उसको ना क्या होता है ना प्रॉब्लम, केक खाने के बाद उसको हो जाता है पेट में दर्द। IBS तो उसका ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका पेट अभी भी कमज़ोर है। ये सब चीज़ें ना बाहर का वो ज़्यादा नहीं खा सकता, हल्का फुल्का खाने दे देती हूँ, पर ऐसे ज़्यादा नहीं देती हूँ। बच्चा है ना, IBS जिसको होता है ना उसको पता है उसको कितना कष्ट सहना पड़ता है, मतलब 8 से 10 बार डेली टॉयलेट जो जाए। तो 4 साल की उम्र से उसको ये प्रॉब्लम था, अभी वो 8 साल का है। रोटी सब्जी नहीं खाना, रोटी सब्जी बाद में खाऊंगी, बाद में खाओगी, पहले की खाओगी। मैं हाथ गंदा हो गया, कोई बात नहीं, केक खा लो फिर हाथ धो लेना। सुबह की बहुत सारी सब्जी बची हुई थी, इसीलिए मैं सोची कि चलो सिर्फ चावल और दाल बना लिया जाए। वैसे तो चावल दाल भी सिंपल सा खा सकते हैं। पहले तो मैं मूंग दाल यूज़ कर रही थी, जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ दाल में मैं मूंग दाल ही खा सकती हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक लगती है और मूंग दाल घर पे किसी को कोई ख़ास पसंद नहीं है, स्वाद किसी को अच्छा लगता नहीं है, तो मैं वापस से तुअर दाल स्टार्ट कर दी हूँ। अब तुअर दाल बनता है तो घर में बहुत शौक से सब लोग चावल दाल भी आराम से खा लेते हैं, सब्जी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पर सुबह की सब्जी बहुत सारी बची हुई थी, तो मैं सिंपल सा चावल दाल एक तरफ बना रही हूँ, एक तरफ चावल चढ़ा चुकी, दूसरी ओर मैं दाल चढ़ा रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद ही मुझे स्कूल भी जाना है आदि को लेने के लिए, मेरे पास सिर्फ 40 मिनट ही थे। मम्मा आप ब्लॉग करना है? नहीं बेटा, ब्लॉग कहाँ से बनाएंगे, वही तो टेंशन हो गया, वही तो ट्राई करे ब्लॉग बनाने का। क्या हो ना मेरे मोबाइल के साथ, यहाँ पे मैं ट्राईपॉड रखी थी और ये ट्राईपॉड गिर गया, यहाँ बेसिन में गिर गया और पानी लग गया मोबाइल को, यानी कि मोबाइल के अंदर पानी चला गया, इसलिए मोबाइल का जो स्पीकर है माइक है वो हो गया है ख़राब, ये प्रॉब्लम आया है। अब देखते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं शाम तक, भगवान करे शाम तक ठीक हो जाए, वरना मेरा ब्लॉग नहीं डलेगा ना तो मैं सच में रात का खाना पीना छोड़ दूंगी। और जब तक मेरा ब्लॉग नहीं डलेगा ना मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर एक दिन भी ब्लॉग मिस हो जाता, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो, चाहे मेरी आलस के कारण हो, मेरी गलती के कारण, चाहे जो भी रीज़न हो, अगर ब्लॉग नहीं डलता है ना तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगता है। मुझे अपने काम से इतना प्यार है, इतना प्यार है। लोग कहते हैं ना कि डेली ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है, और सच बात है डेली ब्लॉग बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ना ये मुश्किल काम भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, बहुत खुशी देता है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी कारण बने कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ, कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, चाहे मैं खुद क्यों ना बीमार पड़ जाऊँ, चाहे घर में कितना बड़ा आफत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा ब्लॉग डलना चाहिए, तभी मुझे ना अच्छा फील होता है। माँ बन करके तो बच्चों का ख्याल रखना ही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे दोस्त बन करके, बच्चा बन करके बच्चे के साथ खेलना भी पड़ता है। तो एक तरफ चावल दाल में चढ़ा दी थी और आधा घंटा मेरे पास टाइम था, आदि को स्कूल लाने के लिए भी छुट्टी होने में इसके लिए टाइम था। तो लाडो कह रही थी मम्मा मेरे साथ खेलिए ना, वो बोर हो रही थी। मैं उसको पढ़ाती लिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई बार कोशिश की हूँ उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुझसे ना पढ़ती ही नहीं है। और मैं चाह के भी उसको डांट करके डरा करके पढ़ने नहीं बैठा पाती, और खेल खेल में भी उसको पढ़ा नहीं पाती हूँ। वो बहुत चालाक है, वो समझ जाती है कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो मैं इसको प्यार से खेल खेल में भी पढ़ा नहीं पाती हूँ, मेरी वो बिल्कुल भी नहीं सुनती है।
आदि मेरी हर बात सुनता है तो मैं इसको पढ़ाती हूँ। आदि आज तक कभी भी किसी से ट्यूशन नहीं लिया, कहीं ट्यूशन गया नहीं पढ़ने के लिए। उसको या तो मैं पढ़ाती हूँ या तो उसके पापा घर पे होते हैं तो आदि को पढ़ा देते हैं। पर लाडो को एडमिशन तो मैं नर्सरी में दे दी, पर मैं इसको ना ABCD लिखना भी सिखा नहीं पाई। मैं बहुत कोशिश की हूँ, तब मुझे ज़रूरत महसूस होता है कि कहीं आसपास मैं ट्यूशन ढूँढूँ। ट्यूशन देने में भी ना एक बहुत बड़ा टेंशन है कि उसको भी ट्यूशन पहुँचाना, लेने के लिए जाना, वो अलग हेडेक हो जाएगा। क्योंकि एक तो दोनों बच्चों का स्कूल अलग है, तो दोनों अलग अलग स्कूल में पहुंचाना लाना का टेंशन तो है ही। अब ट्यूशन का भी लाने ले जाने का टेंशन रहेगा। और आदि को आज तक मैं ट्यूशन नहीं दी हूँ, इस बात की संतुष्टि है। पर मैं सोच ही नहीं थी कि लाडो को नर्सरी क्लास के लिए ही ट्यूशन देना पड़ेगा, ये मैं सोच नहीं पा रही थी। पर ज़रूरत तो महसूस होती है, बहुत ही चंचल है, चाह के भी मैं इसको डांट नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इसको बिल्कुल भी डांट नहीं पाती हूँ। आज ना मैं एक बदमाशी कह रही हूँ, बताती हूँ क्या। देखिए 12:15 बजे रहना, 12:15 बजे ही मेरे बेटे आदि की छुट्टी होती है। अब मैं 12:12 बजे निकल रही हूँ, क्योंकि इतने दिन में लगातार गई ना आदि के स्कूल, जब भी उसकी छुट्टी हुई कम से कम आधा घंटा की देरी होती ही होती है। अभी एग्जाम चल रहा है ना, तो कभी आधा घंटा वेट करना पड़ता है, एक बार तो 1.25 घंटा वेट करना पड़ा। इसीलिए मैं जानबूझ करके सोच रही हूँ ना कि मैं लेट से निकलूंगी। 12:12 बजे छुट्टी का टाइम है, 12:12 बजे मैं निकल रही हूँ। लाडो चलो चलो खेलो, मैं चलो मेरे साथ ना। लाडो को भी धूप में निकलना पड़ता है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है। इस वजह से ही मैं आज आदि को अकेले स्कूल भेजी, क्योंकि अगर मैं इसको स्कूल पहुँचाने जाती तो मेरे साथ लाडो भी धूप में जाती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना दो बार धूप में निकलना आना जाना। बेचारी बच्ची, अभी इतना कड़ा धूप है ना, लू लगने का डर है। ऐसे ही होता है, आज मैं लेट से आई और जैसे ही आई वैसे ही आदि का छुट्टी हो गया और आदि को मैं स्कूल से ले ली हूँ।